हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं आ गई हूँ अपना, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, एक DIY के साथ। तो मुझे अपना टी स्टेशन बनाना है और यहाँ पे बच्चे टेबल ले आए थे ऊपर से, जिस टेबल को मुझे यूज़ करना है। और ये फोल्डिंग टेबल है और काफ़ी कुछ कॉफ़ी टेबल की तरह है, तो यही मैंने सेलेक्ट करा कि मुझे यही वाला टेबल लेना है। तो बच्चे कुनू और पीहू दोनों, ये शहरी के रूम में लगी हुई थी, इसका खास कोई यूज़ नहीं हो रहा था, वहाँ पे एक अलग टेबल लगानी होगी। और ये है वो वॉल जहाँ पे मुझे इसको लगाना है, मेरे ये किचन में फ्रिज के एकदम बराबर वाली जगह है। और यहाँ पे मेरा पुराना वॉशिंग मशीन रखा हुआ था और उस पर वॉशिंग मशीन था, तो कुछ कपड़े भी पड़े हुए हैं। तो यही वॉल है जिसको आप देख रहे हैं ठीक सामने, तो यही वॉल पर यहीं पर मुझे लगाना है। और वॉशिंग मशीन मैंने अपने यहाँ वेट किचन में रख दिया था, तो ये पुराना वाला है। तो मैं और मेरी बेटी यहाँ से इसको हटा रहे हैं और हम इसको हटा के अलग लगा देंगे। और उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से रखी हुई थी तो इसमें काफ़ी डस्ट वगैरह यहाँ पे हो गई थी, तो ये हमने अभी यहाँ रख दिया है फ़िलहाल, फॉर द टाइम बीइंग, एंड लेटर आई विल शिफ्ट इट टू सम अदर प्लेस। सो आई एम क्लीनिंग द फ्लोर हियर, क्योंकि सबसे मेन यहाँ पे कॉर्नर में काफ़ी डस्ट और काफ़ी गंदगी हो गई थी। और फ्रिज को हमने साइड में किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे वो सारा DIY वगैरह जो मैंने करा है उसको शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ पर इस सब चीज़ों को लगा रही हूँ और देखते हैं कैसा बनकर आता है अब ये। तो आप इंजॉय करिए। तो यहाँ पर बनाया है मैंने अपना कॉफ़ी टी स्टेशन, आप देख सकते हैं। और ये थी टेबल जो कि शहरी के कपड़े पे पड़ी हुई थी और वो इसको स्टडी मोस्टली नीचे ही करता था, तो उस टेबल को मैं यहाँ पर लाई हूँ। वैसे ये कॉफ़ी टेबल टाइप ही है। और यहाँ पे रख दिया है मैंने, ये एक टी सेट है जो कि मैंने अभी यहीं से लोकल फेयर से लिया था। और ये 2 ही कप्स थे इसमें और ये टी थी। तो मैं जब सुबह की जब कम चाय होती है, मैं या मेरी बेटी ही होते हैं मोस्टली शाम को यहाँ पर, तो हम इसी में पीते हैं। और ये
यहाँ पे इसके लिए ज़्यादातर चीज़ें मैंने DIY की हैं, जो कि आप उसका ट्यूटोरियल मेरे व्लॉग में देखेंगे। और यहाँ से मैं दिखाती हूँ, सबसे पहले मैंने बनाया है ये, तो ये मेरा पहला DIY है जिसको कि मैंने एक पुराने चॉपिंग बोर्ड से बनाया है। चॉपिंग बोर्ड को मैंने किस तरह से बनाया पूरा ट्यूटोरियल मेरे व्लॉग में है, जो कि मैं डाल दूँगी DIY जो मैंने किया है। और उसके बाद ये हम आते हैं इस पर, ये एक पैन है पुराना जो कि किचन में मैं यूज़ नहीं कर रही थी, काफ़ी पुराना हो गया था, और उसको भी मैंने पेंट करके बनाया। और फिर ये एक क्लॉक थी और अलार्म क्लॉक टाइप थी, छोटी पीहू के रूम की थी, तो ये ख़राब हो गई थी। मिकी माउस था इसमें बना हुआ, तो इसको मैंने पेंट कर दिया है। और ये नीचे टी कैटल और एक कप देख रहे हैं आप, जो कि मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है पेंट करके, और उसको यहाँ पर टी स्टेशन पे लगाकर थोड़ा ब्राइट करने की कोशिश की है जगह को, रेड और येलो से बनाकर इसमें स्माइली को पेंट किया है मैंने। और फिर यहाँ पर एक स्लेट बोले या नोटिस बोर्ड टाइप बोले, जो कि मेरी बेटी का था, उसको मैंने उसके बॉर्डर को पेंट किया है, और उस पर पुराने जो डिस्पोजिबल कप्स होते हैं उनको बीच से कट करके बनाया है। और यहाँ पर हैप्पीनेस इज़ कप ऑफ टी लिख दिया। इसमें मैंने फेरी लाइट लगाई थी, लेकिन उसकी बैटरी लो होने की वजह से वो ज़्यादा दिख नहीं पा रही है। और ये के साथ ये मेरे कुछ DIYs थे जो कि पूरे होते हैं, जो मैंने इसको बनाने में यूज़ किए। बाकी ये टी कैटल, पानी की बॉटल जिसमें पानी है, और ये ट्रे रखती है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक छोटा प्लांट लगाया है, और इसमें मैंने अभी आपको दिखाया कुछ स्नैक्स हैं, बिस्किट्स हैं। पहले ही मेरी क्रॉकरी टेबल में रहते थे, लेकिन अब एक सूटेबल प्लेस हो गया, सो आई हैव कैप्ट इट हियर। आई हैव ऑल्सो कैप्ट दिस कप, जिसमें कि चाय को, अगर आप थोड़ी बहुत देर में आपको चाय लेनी है तो आप बनाकर इसमें कर सकते हैं, और फिर गर्म रहती है ये, अच्छे से टाइटली एयर टाइट बंद रहता है। और इसमें मैंने शुगर और टी लीफ यानी चाय की पत्ती रखी है। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी की बॉटल छोटी रख दी है, और यहाँ पे एक वन मोर ग्लास आई हैव कैप्ट इट हियर, ये वैसे गुन्नू का है, तो वो सुबह जब आती है तो चाय इसमें लेती है, तो वो यहीं से ले लेगी इसको। और ये वाली बॉटल है एक और, जिसमें कि मैंने कुछ ग्रीन टी के सैशे और कॉफ़ी के सैशे रख दिए हैं, हाँ दोनों ही नेस्कैफे हैं, सो आई हैव कैप्ट इट हियर। सो विद दिस दीज आर टू स्मॉल कप्स, जो कि बहुत क्यूट है, स्माइली के हैं, वो मैंने यहाँ रख दिए हैं। कभी कभी इसमें मन करता है मेरा तो मैं ले लेती हूँ चाय। और ये अभी अभी वो है बॉटल जो मैंने तैयार की थी, आपको दिखाई है मैंने, तो ये मैंने यहाँ पर रख दी है, इसको डेकोरेट कर दिया है यहाँ पर, और ये तो बस ऐसे ही रख दिया है थोड़ा। और इसके नीचे छिपा के मैंने ओरियो के पैकेट्स रख दिए क्योंकि इसके नीचे कोई शेल वगैरह नहीं है, तो मैंने ऐसे ही रख दिया है यहाँ पर। तो जो मेन चीज़ थी वो जो मैं बताऊँ आपको, मैंने यहाँ पर कुछ चाय बनाने का कुछ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, सिर्फ ये इलेक्ट्रिक कैटल रखी है, नहीं रखा है वो मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि आप देख सकते हैं ये मेरी किचन का एक कॉर्नर है, यहाँ पे मेरा फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज के बराबर में ये है, और यहाँ पे बिल्कुल इसके बराबर में यहाँ पर ठीक सामने जो हम किचन में से बाहर जाते हैं ये मेरा कमरे का दरवाजा है, तो यहाँ पे क्रॉकरी टेबल रखी हुई है। पहले स्नैक्स वगैरह की बॉटल मैं यहाँ रख देती थी क्रॉकरी टेबल के अंदर, लेकिन अब मैंने ये यहाँ रख दिया क्योंकि एक सूटेबल प्लेस हो गया है, तो मैंने इसको यहाँ निकाल के रख दिया है, क्रॉकरी टेबल में से हटा दिया, बाद में मैं इसको एडजस्ट करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये वाली टेबल रखी हुई है जो जिसको कि मैंने यहाँ पे टी स्टेशन बनाया है, और बिल्कुल ठीक इसके सामने तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर है मेरा माइक्रोवेव, वो यहाँ रखा हुआ है, और यहाँ पे बोर्ड है पीछे भी, और इंडक्शन भी यहीं पर रखा हुआ है, तो जब इंडक्शन यही है, माइक्रोवेव यही है, तो मुझे अलग से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस रखने की ज़रूरत नहीं है जो चाय बनाने के लिए यूज़ हो। फिर भी मैंने यहाँ पे टी कैटल रख दिया, एक और टी कैटल है छोटी, वो अभी ऊपर रूम में रखी हुई है, मैं बाद में ला के यहाँ रख लूँगी। तो इस तरीके से यहाँ से बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप किचन में बिजी हैं, इधर मेरा किचन है, जब आप किचन में बिजी हैं और चाय, मतलब मेरी बेटी भी बना लेती है और हम भी इधर कर सकते हैं, तो आराम से ईजीली यहाँ चाय बन सकती है मेरा टी स्टेशन। तो कैसा लगा आपको बताइए, ज़रूर कमेंट करिएगा। Fast and my world's expanding, feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know, didn't know what hit me when we started.
big and electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind. And my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know, it feels like love. This feels like the sweetest breath of air. Oh yeah. तो आज के व्लॉग में इतना ही. फिर मैं पी लेती हूँ अपनी चाय और आप भी इंजॉय करिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा. अभी मेरी छोटी सी कोशिश है, स्टार्टिंग है, अभी मुझे उतना नहीं पता है, तो आप सबके कमेंट्स का मुझे वेट है. और आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ये कॉफ़ी स्टेशन कैसा लगा. और इसमें कुछ भी ख़रीदा नहीं है बाज़ार से मैंने, नया सब घर की चीज़ों को यूज़ किया है. मेरे DIYs आपको कैसे लगे ज़रूर बताइए. तो बाय इसी के साथ.